तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि मैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो जो आज की वीडियो है हमारी, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी साइट का, यानी कि वो होता है आपका लॉजिस्टिक्स प्लान। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि लॉजिस्टिक प्लान होता क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और इसकी बेसिस पर प्रोडक्टिविटी, आपकी जो साइट का जो स्पेस है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। तो उन सब चीज़ों पर आपका ये लॉजिस्टिक प्लानिंग होती है। अब लॉजिस्टिक प्लानिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, द डिटेल्ड साइट ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑब्लिक ऑपरेशन, यानी कि आपकी साइट में बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी साइट कैसी है, कितनी बड़ी है, तो उसकी जो लैंड होगी तो उनके स्पेस के अकॉर्डिंग आपको लॉजिस्टिक प्लान बनाना पड़ता है। और बहुत सारे टेंडर में जो मोबिलाइजेशन की जो क्लॉज होती है तो उसमें लॉजिस्टिक प्लान भी सबमिट करना पड़ता है, और जो भी मशीनरीज इक्विपमेंट्स उसमें दिए गए हैं वो सारे आपको साइट पर लगाने पड़ते हैं। तो कैसे उसको समझना है इसको मैं एक ड्राइंग में भी आपको बताऊंगा कि लॉजिस्टिक प्लान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। और प्लानिंग जो आपका स्टार्टअप है, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप आपका लॉजिस्टिक प्लान का होता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे लॉजिस्टिक्स प्लान के लिए कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं हर एक साइट के लिए, तो उनको मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि आपकी जो साइट का ओवरऑल मास्टर प्लान होगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप अपनी साइट पर दे सकते हो आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये हर एक प्रोजेक्ट्स के लिए होंगी। जैसे कि मटेरियल गेट की एंट्री, आपकी साइट पर क्या होते हैं बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, तो उनकी गेट की एंट्री कितनी रखनी है, एक रखनी है, दो रखनी है, तो उसका जो भी एक रास्ता होगा तो वो आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टोर में मटेरियल गेट पे एंट्री होकर ही जाता है। इसके बाद में आप क्या मूवमेंट पाथ रोड रूट, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी साइट बहुत ज़्यादा बड़ी है 70 acres, 100 acres, तो आपका जो एग्जिस्टिंग जो प्लान होगा यानी कि जो मास्टर प्लान होगा तो उसी के बेस पर आपको टेम्परेरी रूट मूवमेंट के पाथ या फिर उसके रूट फाइनल करने पड़ते हैं। इसके बाद में अगली रिक्वायरमेंट आ जाती है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस, उनकी लोकेशंस उसमें कहाँ पर होंगी। इसके बाद में बैचिंग प्लांट आपका कहाँ पर लगेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सीमेंट का स्टोर और उसकी कैपेसिटी, वो भी आपके BOQ में जो RCC की क्वांटिटी होगी तो उसके बेसिस पर इसकी सीमेंट स्टोर की कैपेसिटी डिफाइन होती है, जिसको मैं बताऊंगा बाद में। इसके बाद में बैचिंग प्लांट रहेगा तो आपको वाटर टैंक की भी एक रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसकी लोकेशन भी आपको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद में आपकी टेस्टिंग की लैब, आपका मटेरियल का स्टोर, यानी कि बहुत सारे जो मटेरियल्स आते हैं तो उनको भी एक जगह कहीं स्टोर करना पड़ता है, तो स्टोर की लोकेशन आपकी उस लॉजिस्टिक प्लान में कहाँ पर होगी वो भी मार्क करनी पड़ेगी। आपका स्टील का यार्ड हो गया, यानी कि जो भी आपका बार्स का कटिंग का काम, बेंडिंग का काम, जो फैब्रिकेशन का काम है वो यार्ड पर होता है। अब किन्हीं किन्हीं केसेस में किसी बड़ी साइट पर आपके 2-3 पीस रेट वर्क यानी कि PRW कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं तो उतने यार्ड भी बनाने पड़ सकते हैं, वो बिल्डिंग के फेज वाइज डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्लान कर रहे हो। इसके बाद में शटरिंग यार्ड की लोकेशन भी दिखानी पड़ेगी कि शटरिंग यार्ड का जो भी मटेरियल होगा फॉर्मवर्क का उसको कहाँ पर स्टोर करना है, कहाँ पर उसका फैब्रिकेशन होगा। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के लिए DG यार्ड और डीजल का एक स्टोरेज भी बनाना पड़ेगा। इसके बाद में वे ब्रिज, यानी कि जो धर्मकांटा हम लोग बोलते हैं, तो जो आपकी बड़ी साइट्स होती हैं तो उनमें साइट के अंदर ही धर्मकांटा होता है, जिसमें आपकी कोई भी कोर सेंड आ रहा है, कोई एग्रीगेट आ रहा है, या RMC का वेट करना है, स्टील का वेट करना है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी साइट के अंदर ही पूरी होती है। तो वे ब्रिज अगर कहीं लगाना है तो उसकी भी लोकेशन फाइनल करनी पड़ती है।
इसके बाद में अगर कोई किसी फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए जो आपके पीईबी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके लिए जो भी मटेरियल आएगा तो उनका स्टॉक और फैब्रिकेशन यार्ड, यानी कि आपको उसका फैब्रिकेशन भी करना होता है, तो फैब्रिकेशन यार्ड की भी जो लोकेशन है वो अलग से दिखानी पड़ती है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी साइट की स्पेस कितना है और मैक्सिमम यूटिलाइज करके आप कितना इनमें से चीज़ों को दिखा सकते हो। सपोज मान लेता हूँ कोई एक छोटी सी साइट है, तो छोटी सी साइट के लिए बैचिंग प्लांट और उसके लिए सीमेंट स्टोर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी हटाई जा सकती हैं, वो डिपेंड करेगा। और जैसे कि मैं आपको ड्राइंग पे बताऊंगा तो वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा। आप चलते हैं अगली लिस्ट पर, मैं वो भी लिख देता हूँ। इसके बाद में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लॉजिस्टिक प्लान के लिए, जैसे कि सेफ्टी पार्क। आपकी साइट पर बहुत सारे वर्कर्स काम करने आते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ ट्रेंड होते हैं, तो उनको क्या होता है कि सेफ्टी ऑफिसर्स हमारे ट्रेनिंग देते हैं, सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस देते हैं, जो आपकी किससे होती है, टूल बॉक्स मीटिंग होती है डेली बेसिस पर। तो सेफ्टी पार्क की लोकेशन भी आपको उसमें दिखानी होती है। और जो हमारा लेबर कमिश्नर का जो डिपार्टमेंट है, उनकी ये कंडीशन होती है कि अगर आपकी साइट पर 500 से ज़्यादा लेबर है तो आपको एक इमरजेंसी असेंबली पॉइंट भी देना होता है कि अगर साइट पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो सारी लेबर जाकर कहाँ पर एक जगह सेफ्टी वाले पॉइंट पर गैदर हो सके। तो इमरजेंसी असेंबली पॉइंट की लोकेशन भी दिखानी होती है। तो ये ऑलमोस्ट सभी लॉजिस्टिक प्लान का पार्ट है। इसके बाद में अगला पार्ट है आपका FTC, यानी कि फिक्स टावर क्रेन। क्योंकि टावर क्रेन आपकी दो टाइप की आती हैं, एक होगी फिक्स टावर क्रेन और दूसरी मोबाइल टावर क्रेन, यानी कि जो छोटी वाली टावर क्रेन होती है। तो फिक्स टावर क्रेन को आपके हाई राइज बिल्डिंग के टावर में किस लोकेशन पर लगाना है, यानी कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो भी FTC लगती है वो लिफ्ट के अंदर लगती है। अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कौन सी लिफ्ट पर हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि होता क्या है कि मैं मान लेता हूँ अगर आप मेरी ये बिल्डिंग है, ठीक है, और एक लिफ्ट फिट यहाँ पर है, एक लिफ्ट फिट यहाँ पर है, तो इस वाले अगर मैं लगाऊंगा तो इसकी 50 मीटर रेडियस के अकॉर्डिंग मेरी पूरी बिल्डिंग कवर हो रही है, नहीं हो रही है, जब वो बिल्डिंग मूवमेंट करेगी आपकी टावर क्रेन, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्लान पर आपको ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिस्टिक प्लान के केस में होती हैं। और इन जनरल कंडीशन में देखा जाए तो जो आपके स्टील के यार्ड होते हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट स्टील के यार्ड, आपके शटरिंग के यार्ड, तो मैक्सिमम केस में ये आपकी बिल्डिंग के पास ही रखे जाते हैं, क्योंकि टावर क्रेन का जो मेन काम होता है मटेरियल को लिफ्ट करके आपकी बिल्डिंग के अंदर लाना, जहां पर भी उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में जो आपकी होगी मटेरियल हॉइस्ट लिफ्ट, यानी कि जब आपकी बिल्डिंग के 2, 3, 4, 5 फ्लोर कास्ट हो जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को ऊपर ले जाने के लिए, जैसे आपका ब्रिकवर्क हो गया, जिप्सम प्लास्टर हो गया, सैंड हो गई, सीमेंट हो गया, तो कहीं कहीं पर मटेरियल हॉइस्ट की लिफ्ट भी लगा देते हैं। ये इसी टावर से कहीं एडजस्ट की हुई जुड़ी हुई एक लिफ्ट होती है, तो उसमें आदमी भी चला जाता है लिफ्ट में और मटेरियल भी चला जाता है, तो ये हॉइस्ट लिफ्ट की भी लोकेशन मार्क करनी होती है। इसके बाद में अदर कॉन्ट्रैक्टर्स, आपकी साइट पर कोई अदर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि होंगे प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रिकल्स के, HVAC के, तो उनके लिए ऑफिस और उनके स्टोर की लोकेशन को पहले से ही मार्क करके रखना होता है। इसके बाद में आपकी साइट पर मेल और फीमेल टॉयलेट की लोकेशन कहाँ पर रहेगी। इसके बाद में कैंटीन, अगर आपकी साइट ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पर आपको एक कैंटीन भी देनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए उनको पानी वगैरह पीना है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट उसमें दिखानी होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, एक्सवेटेड सॉइल फॉर स्टैकिंग। ये पॉइंट जो है हमारा जुड़ा हुआ है ग्रीन बिल्डिंग से, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन बिल्डिंग की, जैसे कि ग्रेहा और आपकी टेरी, तो इनकी गाइडलाइन में क्या होता है कि जब आप कभी साइट पर मिट्टी एक्सवेट करोगे तो एक्सवेट करने के बाद में उसकी जो टॉप लेयर होती है, जैसे कि मैंने ये एक्सवेशन की है, तो इसकी जो टॉप लेयर होती है ये हमारी फर्टाइल होती है, तो फर्टाइल को आप इस मिट्टी को कहीं ना कहीं स्टैक करना होगा, यानी कि आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपके ग्रेहा से या जो भी ऑफिसर्स आते हैं तो वो देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए ग्रीन बिल्डिंग में आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। कभी कभी ये मिट्टी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है कि जो हमें अपनी बिल्डिंग के लिए, ग्रीन बिल्डिंग के लिए जो रेटिंग्स लेनी है, पॉइंट्स लेने हैं, तो उसके लिए एक्सवेटेड सॉइल को हम कहाँ पर स्टैक करें, तो ये भी पॉइंट आपको माइंड में रखना होता है। तो लॉजिस्टिक प्लान की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी आपके मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक साइट का लॉजिस्टिक प्लान, जिससे कि लॉजिस्टिक प्लान का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए।
तो चलिए चलते हैं ड्राइंग की तरफ। तो दोस्तों लॉजिस्टिक प्लान को समझाने के लिए मैंने एक साइट का मास्टर प्लान लिया हुआ है। अब इसमें जो भी हमारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी एक साइट को ऑपरेट करने के लिए, तो उन सभी डिटेल्स को मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। ये जो बीच वाला आप ब्लॉक देख रही हैं ये आपकी मेन बिल्डिंग है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन होना है। और जो आप ये ओपन यार्ड देख रही हैं, जैसे कि ये इस साइट का क्या है, एक प्लेग्राउंड है। तो इस प्लेग्राउंड को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया है जैसे स्टील यार्ड। इसके बाद में आपकी और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी इसमें, जैसे कि आपका मटेरियल स्टोर, क्योंकि इसकी भी जो एंट्री आप देख रही हैं रोड की, एक मेन एंट्री हमारी इधर से है और दूसरी एंट्री हमारी इधर से है। तो हमारा बैचिंग प्लांट हमने की लोकेशन को इधर पे दिखाया हुआ है, सीमेंट स्टोर हमारा यहाँ पर बनेगा, उसका जो वाटर टैंक है यहाँ पर आएगा, और बैचिंग प्लांट को ऑपरेट करने के लिए और साइट को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यार्ड भी देना होता है। तो डीजी यार्ड को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब हमारी मटेरियल की एंट्री अगर हमारी इस तरफ से होगी तो हमारा एक वेब्रिज यानी कि धर्मकांटा भी लगेगा, तो उसकी लोकेशन हमने यहाँ पर दिखाई हुई है। मटेरियल स्टोर हमारा यहाँ पर है और ये हमारी क्या है, टेस्टिंग लैब है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स जो आते हैं तो उनकी टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, उनके सैंपल लेने पड़ते हैं, तो ये हमारी टेस्टिंग लैब है। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ जो हमारी मेन एंट्री है यानी कि फ्रंट से एंट्री है। तो फ्रंट से एंट्री के केस में आप देखेंगे जो हमारे जैसे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस, तो उसको हमने इस लोकेशन पर दिखाया हुआ है, जैसे कि हमारा ये प्लॉट यहाँ पर खाली है। इसके बाद में आपके जो ऑफिस होंगे जैसे क्लाइंट का ऑफिस, एमईपी का ऑफिस, उसकी लोकेशन। इसके बाद में अदर कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफिस हमारे कहाँ पर बनेंगे, तो उनकी लोकेशन। इसके बाद में आपका टॉयलेट कहाँ पर बनेगा, जो आपके इंजीनियर्स या फिर जो भी स्टाफ है वो यूज करेगा, तो उसकी लोकेशन हमने यहाँ पर दिखाई हुई है। इसके बाद में जो अगला पार्ट है, जो इनका एक लैंड है वो फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान में है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होगी तो टूल बॉक्स मीटिंग हमारी यहाँ पर होगी, सेफ्टी ऑफिस, मेडिकल रूम, जो आपके फर्स्ट एड रूम होते हैं, तो उनके लिए हमने लोकेशन यहाँ पर डिफाइन की हुई है। ये है आपका टॉयलेट जो कि वर्कर्स के लिए है। अब ये जो आप गोल सर्कल देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैंने गोल सर्कल दिखाया हुआ है, ये बेसिकली टावर लाइन की रेडियस है। तो इस प्रोजेक्ट पर हमें मान लीजिए कि 3 टावर क्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको मैंने 3 सर्कल से डिनोट किया हुआ है। पहला सर्कल आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा सर्कल हमारा यहाँ पर है, जो कि इन लिफ्ट के अंदर से हमारी टावर क्रेन लगेगी, क्योंकि ये लिफ्ट के जो मार्किंग होती है ये ऑलरेडी बिल्डिंग के प्लान के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना पड़ता है। और इन्हीं टावर क्रेन की रेंज में आपको स्टील यार्ड, आपका शटरिंग यार्ड इसी के आसपास होने चाहिए, जैसे कि एक शटरिंग यार्ड आपका यहाँ पर है, स्टील यार्ड यहाँ पर है। इसके बाद में आप दूसरी टावर क्रेन के पास जाएंगे, यानी कि जो इस साइड में हमने दिखाई हुई है, तो यहाँ पर हमारा ये एक स्टील यार्ड है। इसके बाद में आप और देखेंगे जो तीसरी टावर क्रेन है, ये हमारे पीछे की तरफ है, तो यहाँ पर हमने एक स्टील यार्ड यहाँ पर दिखाया हुआ है और ये हमारा एक शटरिंग यार्ड है। तो यहाँ टेस्टिंग लैब बाई मिस्टेक ये टाइप हो गया है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना होता है कि ओवरऑल प्लानिंग करनी होती है। आपको कैंटीन दिखानी है तो कैंटीन फॉर वर्कर हमने यहाँ पर दिखाई हुई है। तो ये जितनी भी डिटेलिंग है आपकी, ये आपको उनके मास्टर प्लान में मार्क करके देनी होती है। और मैक्सिमम यानी कि इसमें देखिए जो साइट के चारों तरफ रोड है, तो कितनी एंट्री आपको फाइनल करनी है, जैसे कि मेन एंट्री हमने यहाँ से दे दी, मटेरियल्स की एंट्री पीछे से दे दी। इसके बाद में जो बैचिंग प्लांट है आपका, वहाँ पर आपके जो टीएम वगैरह का जो सेपरेट रूट डाइवर्जन हो, तो उसके लिए हमने डिटेलिंग इसकी यहाँ पर दी हुई है। तो कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक प्लान को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट हर एक प्रोजेक्ट की जो लैंड होती है वो कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, और लॉजिस्टिक प्लान का जो कॉन्सेप्ट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड करिए कि जब कोई एक साइट प्रॉपर लॉजिस्टिक प्लान के बेसिस पर ऑर्गेनाइज हो जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर बाद में इसको अनऑर्गेनाइज वे में अगर किया जाए, और बाद में कोई ऑफिस आपको कहीं शिफ्ट करना पड़ रहा है, कोई बैचिंग प्लांट कहीं से निकाल के कहीं लगाना पड़ रहा है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का पैसा वेस्ट होता है। तो कोशिश की जाती है मैनेजमेंट के डिसीजन के थ्रू कि लॉजिस्टिक प्लान को जितना ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए तो उतना बेटर हो सके, क्योंकि उसी के बेस पर आपकी साइट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो इसी पे मेनली डिपेंड होती है, और प्लानिंग का आपका सबसे पहला पार्ट है।
इसमें एक चीज छूट गई थी वो मैं अब ऐड कर रहा हूँ, आपकी जो साइट पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसकी केबलिंग की भी लेआउट होता है, तो केबल के लेआउट को भी इसमें दिखाना होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।